भारत की चीन को लेकर नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मसले पर हमेशा ही बहुत अडिग रहे हैं और उन्हें भारत चीन सीमा पर हमारी सेना की मजबूत तैनाती से आंका जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री के हाथ मिलाने की विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए तमाम बातें कही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ संबंध को लेकर दो वास्तविकताएं हैं, एक तो यह कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके साथ ही वो भारत का निकटतम पड़ोसी है। एस जयशंकर ने इसमें आगे जोड़ते हुए कहा कि यह भी तथ्य है कि भारत का चीन के साथ एक मुश्किल इतिहास, संघर्ष और बहुत बड़ा सीमा विवाद रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन से निपटने का सही तरीका यही है कि हम अपने रुख पर हमेशा अडिग बने रहें। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुए G20 समिट में तमाम दुनिया के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया था। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी और फिर दोनों ने हाथ मिलाया था। इस पर कुछ लोगों ने जब सवाल उठाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चीन के मुद्दे पर बहुत अडिग रहे हैं, उनको भारत चीन बॉर्डर पर हमारी सेना की मजबूत तैनाती के आधार से आंकना चाहिए। एस जयशंकर ने एक सम्मेलन में कहा कि चीन का सामना करने का सही तरीका यही है कि जब डटे रहना है तो डटे रहो, अगर आपको सैनिकों को बॉर्डर तक ले जाना है तो वो जो करने का प्रयास कर रहे हैं उससे निपटने के लिए हमें वो करना चाहिए। जिन मुद्दों पर वो हमारे हितों का सपोर्ट या उसे कमज़ोर नहीं करते हैं उसके बारे में जहाँ ज़रूरत हो स्पष्ट रहें, सार्वजनिक हों। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं इसके बारे में हर वक्त सार्वजनिक रूप से नहीं कहता, पर जहाँ कूटनीति की ज़रूरत होती है वहाँ सार्वजनिक होना उपयोगी होता है। विपक्ष की आलोचना पर उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद देश है, लोगों को अपनी बात कहने का हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस महीने की शुरुआत में बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में एक साइड इवेंट में हाथ मिलाया था और G20 प्रतिनिधियों के लिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो की ओर से आयोजित स्वागत रात्रि भोज से मीडिया के लिए एक लाइव वीडियो फीड में दोनों नेताओं को हाथ मिलाते देखा गया। विदेश मंत्री ने कहा था कि हाथ मिलाने के शिष्टाचार को चीन के प्रति भारत के रुख से जोड़ना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री चीन पर हमेशा अडिग रहे हैं, इस मसले पर प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट रहे हैं और न सिर्फ शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से भी दिखाया है। 2020 से हमारी सीमा पर इतनी बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए की गई कोशिशों को समझना होगा, ये बहुत बड़ा काम है। चीन के साथ भविष्य में संबंध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन को लेकर संरचनात्मक दीर्घकालिक चुनौतियां हैं, पहले से गंभीरता से नहीं लिया गया। आज हम चीन सीमा पर सैनिकों को भेजने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले लोग कहते थे कि सेना भेजना सीमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि अब यही इस चुनौती से निपटने का सबसे सही तरीका है। भारत दुनिया के लिए कैसे तैयार हो रहा है इस बात पर निर्भर है कि हम अपनी सीमा पर बुनियादी सुविधाओं का कितना विकास कर रहे हैं और देश के भीतर कितना अधिक क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं। इन दोनों मुद्दों का संबंध किसी के खिलाफ होने से नहीं है। देखिए, चीन भी अपनी सीमाओं पर जमकर निर्माण कर रहा है, भारत की भी यही स्ट्रैटेजी है ना, सीमाएं जो कि बहुत दुर्गम हैं उन जगहों को सुगम बनाया जाए, आना जाना वहां पर रहना मुमकिन बनाया जाए ताकि वहां पर सेनाओं की तैनाती हो और सीमाओं को और सुरक्षित किया जा सके। इसके प्रयास प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, यह विदेश मंत्री का कहना है। जयशंकर ने यह भी कहा कि 1962 के युद्ध में हार सहित चीन से निपटने में भारत के पास दो बड़ी बाधाएं हैं जिनके नतीजे देश आज भी भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि जब सीमा पर किसी गांव के बसने या पुल बनने के बारे में लिखते हैं तो कृपया याद रखें कि उन क्षेत्रों में हैं जिन्हें आपने 1962 में खो दिया था। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं हो रहा होता। विदेश मंत्री ने कहा कि 1962 में हुई क्षति हमारी अभी भी एक बड़ी बाधा है। दूसरा यह है कि भारत ने चीन की तुलना में 15 साल बाद सुधार शुरू किए और वो भी आधे अधूरे थे। इनका भारत में प्रभाव चीन के सुधारों जैसा नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।